हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू स्पून ऑयल। मैं हूं सुजाता। 30 डेज लेस ऑयल ब्रेकफास्ट चैलेंज का आज है डे 10 और आज की हमारी रेसिपी है बेसन का डोसा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। गैस पर कढ़ाई रखकर 2 चम्मच तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 1/2 चम्मच सरसों डाल दें और जब सरसों चटक जाए तो 1 छोटा प्याज बारीक कट करके मिला दें। प्याज को थोड़ी देर के लिए पका लें, फिर इसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला लें और इसमें 1/2 चम्मच अदरक किसी हुई और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई मिला दें और इन सबको मिक्स करके थोड़ी देर पका लें। फिर इसमें 1/2 कप उबले हुए आलू मिलाकर मिक्स कर लें। फिर लास्ट में स्वादानुसार नमक मिलाकर 2 मिनट के लिए इस आलू के मसाले को पकने दें और फिर हरे धनिया मिलाकर गैस बंद कर दें। हमारा डोसा की फिलिंग के लिए आलू का मसाला रेडी हो गया है। बेसन का डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 कप बेसन। इसमें नमक मिलाएं और नमक और बेसन को मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर बेसन का एक घोल बना लें। इसमें बेसन की गुठली ना पड़े इसलिए ध्यान रखें, एक बार में थोड़ा थोड़ा ही पानी मिलाएं और ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, इस तरह का घोल बना लेना है। और अब जो सबसे ज़रूरी बात है क्रिस्पी क्रिस्पी डोसा बनने के लिए कि आप इस बैटर को कम से कम 2 मिनट के लिए लगातार चलाते रहें, तभी इससे जो डोसा बनेगा वो क्रिस्पी बनेगा, अदरवाइज वो बेसन के चीले जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाएगा। दो मिनट हो गए हैं, हमारा बेसन का घोल बन के रेडी हो गया है। इस डोसे के घोल को रेस्ट नहीं देना है, इसे तुरंत डोसे बनाने हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर नॉनस्टिक पैन गरम करने रखें और उस पैन में बेसन के घोल को इस तरह से चमचे से गोल गोल घुमाते हुए फैला दें। जैसे चावल का डोसा बनाते हैं उन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है इससे डोसा बनाते समय भी। डोसे पर 1 चम्मच तेल डाल दें सिकने के लिए। हमने जो आलू का मसाला तैयार किया था उसे मैं डोसे के साथ फिल करके ही सर्व करने वाली हूँ, इसलिए जब डोसा ऑलमोस्ट पक जाए तो उस पर आलू के मसाले की फिलिंग को इस तरह से फैला दें। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे की लेयर को अच्छा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी हो गई है। तो ये डोसा बनकर रेडी हो गया है, इसे इस तरह से गोल गोल फोल्ड कर दें और इसे नॉनस्टिक पैन से निकाल लें। आप चाहे तो इसे इस तरह से कट डोसा की तरह सर्व करें या फिर मसाला डोसा की तरह सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो प्लेन बेसन डोसा भी बना सकते हैं अपनी मनपसंद चटनी के साथ। और इसमें ना भिगोने का झंझट है, ना फर्मेंट करने का, ना इसमें दही चाहिए, ना इनो चाहिए। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और इससे जो डोसा बनते हैं वो बिल्कुल चावल के डोसे की तरह ही क्रिस्पी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।